तो भाई आज कुछ ऐसा हुआ कि मैं सुबह को उठा, मैंने मास्टर को कॉल लगाया कि गेम खेलते हैं। पता चलता है कि भैया मास्टर तो अपने सो रहे हैं। तो फिर मैं गया क्लैन में, मैंने देखा कि भानु ऑनलाइन है, मैंने भानु को इनवाइट दिया और लगाया एक डू वर्सेस स्क्वाड मैच। मगर तुम एक ऐसा गेम खेल रहे हो जिसमें ग्लिच भर भर के थोक रेट में मिलेंगे तुम्हें। 700 रुपये का, 600 रुपये का रॉयल पास लो, तुम्हें इतने सारे ग्लिच मिलेंगे ना कि तुम्हारा पेट ना ऊपर तक भर जाएगा। भाई साहब इसमें कुछ ऐसा ग्लिच हुआ कि मैचिंग हमने बंद की थी, फिर भी दो रैंडम्स हमारे साथ आ गए। कुल मिलाकर एक स्क्वाड का मैच लग गया। मगर अभी ये मत सोच रहे कि ये एक स्क्वाड का मैच है, ये देख रहे हैं इनको कहाँ जा रहे हैं बाइक लेके। मतलब यार ये रैंडम्स, मुझे पहले तो ये बताओ ये आते कहाँ से है भाई। अब देखो सुनो, जब हम उतरे तो हमने देखा कि ये लोग बाइक लेके जा रहे हैं, फिर हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ सब फिनिश ऑल डेड। उसी के जस्ट 15-20 सेकंड बाद मैं भाई मैप में देखता हूँ कि जो होता है ना डिस्टेंस का जो मीटर होता है, तो ये कम क्यों हो रहा है ऐसे एकदम, 300 से कम होता जा रहा है 200 पे। अरे मैंने बोला अच्छा भाई साहब ये देखो चालाकी, चालाकी तो ये होती है। जब इनको लगा कि अब कोई खतरा नहीं है तो भाई साहब देखो वापस आ गए। ऐसे रैंडम्स तो मैंने पहली बार देखे, इतने चलाक रैंडम भगवान किसी को ना दे। और अब बात करते हैं इस गेम प्ले, क्योंकि इधर उधर की बातें तो काफ़ी हो गई। अब यहाँ पर मैंने दो बॉट मार दिए, लेकिन ये मत सोचना कि ये मैच इतना आसान है, नहीं भाई ये मैच जितना कठिन और जितना इंटेंस है ऐसा मैच आपने 100 में से ही कोई एक देखा होगा। अब यहाँ पर मैं ये लूट वगैरह कर रहा था कि तभी एक टीममेट को किसी ने ड्रॉप किया। और भाई फिनिश भी कर दिया। पता चलता है कि यहां पर बंदे जो हैं छुप के बैठे हुए, तो सबसे पहले मैंने एक ग्रेनेड किया, बंदा नॉक हो गया, जो कि बहुत ही गजब का नॉक था। अब इसके बाद मैं एक रैंडम ग्रेनेड करने वाला हूं, क्योंकि दूसरा बंदा सीधी सी बात है कि यार वहां पर नहीं आने वाला है। अब जैसे मैंने ये रैंडम ग्रेनेड किया, बंदा पीछे भाग गया, मैंने एक तीसरा ग्रेनेड और लिया, और जो तीसरे ग्रेनेड में जहां फेंकने वाला था बंदा मुझे दिख जाता है। तो कुल मिलाकर जो काम गनों से हो सकता था वो मैंने यहां ग्रेनेड से कर दिया। अब ये बंदे, अब हमें लगा कि इनका कोई टीममेट वगैरह कोई दोस्ती कुछ तो होगी, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं निकलता है। हाँ तो मैं बात कर रहा था इस मैच के बारे में। अब मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा कि भाई तुम वीडियो को पूरा देखो, तुम्हें सही में लगेगा कि यार ये मैच तो पूरा देखना सभी को बनता है। अगर ऐसा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना। अब फिलहाल जो है हमको एक यहाँ पर फ्लेयर देखती है, वो भी यासनाय की तरफ। तो जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि जो अपनी जो ड्रॉप हम जैसे लूटना है वो लेफ्ट में है, तो हम लोग गाड़ी को लेफ्ट में ले लेते हैं। लेकिन अब जिसने यहाँ पर फ्लेयर चलाई थी वो तो रहा नहीं, और कुछ मेहमान आ गए इस पर अपना कब्जा करने के लिए। अब गाड़ी बहुत ज़्यादा ग्लिच थी, वैसे तुरंत यहीं पे रोक दिया, क्या फ़ायदा मुंह पे जाकर रोकूँ तो हम मर जाए। अब आगे तो हमें कोई नहीं मिला, तभी पीछे से किसी ने भाई एक स्नाइपर का शॉट दिया। तो स्काउट करते करते मैं इनको काफ़ी आगे बढ़ रहा था, और तभी मुझे बंदे दिख भी जाते हैं। अब इनको डैमेज देने के बाद मैं थोड़ा और आगे चला। आगे जाने पे मुझे मालूम पड़ता है कि एक बंदा यहाँ ऊपर घर में आ गया, जैसे ही गेट खुलता है। अब यहाँ पर गेट खुला तो मैंने ग्रेनेड की पिन खींची, बंदे ने मगर पता नहीं कैसे पहचान लिया कि मैं ग्रेनेड फेंक रहा हूँ, और वो पीछे भाग गया। मैंने ग्रेनेड को कैंसिल किया और इसके बाद मैंने और आगे जाने का फैसला किया। अब बंदे के फुटप्रिंट्स आ रहे थे और उससे पता चलता कि वो बंदा आगे खड़ा है। अब यहाँ पर मेरे साथ एक ग्रेनेड का ग्लिच हुआ, और जिस बंदे ने भानु को नॉक किया मुझे वो बंदा भी पता चल जाता है। अब उस बंदे को मैंने इतना लेट कर दिया कि अभी कम से कम 10-15 सेकंड तक नहीं झांकने वाला है, और ये एक बहुत अच्छा मौका था भानु के रिवाइव होने का। अब जैसे ही भानु रिवाइव हो जाता है ना, उसके बाद जो है मैं सामने वाले घर पे रश कर देता हूँ। लेकिन भाई साहब यहाँ कुछ गलती सीन होने वाला है। भाई ये बंदा पता नहीं यहाँ कब से बैठा था। अब इसके बाद भी एक और गंदा सीन देखो, सामने बंदा है और पता नहीं क्यों उसकी मेरे पे नजर नहीं गई, वरना मैं यहाँ पे नॉक हो जाता। लेकिन हाँ इस बार उसकी नजर चली गई।
अब यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी होने वाली है बहुत ज्यादा गंदी, मतलब मैं कुल मिला के बहुत ज्यादा कंफ्यूज और फंसने वाला हूँ। तो अब केवल दो बंदे बचे जिसमें से भानु अभी नॉक है और मुझे उसको रिवाइव देना है, और तभी मुझे दिखता है कि बंदा राइट से फ्लैंक करने की कोशिश कर रहा है और एक बंदा उधर लेफ्ट से। तो सबसे पहले मैंने इसे पूरा रिवाइव दिया, रिवाइव देने के बाद मैंने एक ग्रेनेड को कुक किया, कुक करने के बाद मैंने इसे जल्दी से फेंक दिया क्योंकि कहीं वो मेरे पे ग्रेनेड कर दे। और भाई ऑल डेड, सही बता रहा हूँ, ये फाइट यहाँ कंप्लीट करने के बाद एक बार को तो ऐसे लगा कि अब तो इस मैच को हम आराम से निकाल लेंगे, मगर मेरे भाई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। अभी आगे जाके ये मैच ऐसा हो जाएगा कि इम्पॉसिबल सिचुएशन हो जाएगी। और जो बंदे थे ना जब हम उनको मार रहे थे तो बंदे ऑल पे बोले मार मार बंदूकबाज को पूरा मारो, और मैंने बोला भाई ऐसी क्या गलती होगी मेरे से। फिलहाल हम लोग यहाँ पे आए और क्योंकि अभी भानु के पास फ्लेयर थी तो उसने फ्लेयर चलाई, और फ्लेयर चलाने के बाद अब हम लोगों को यहीं पे रुकना था। लूट हमारे पास बिल्कुल नहीं थी क्योंकि वहाँ से हम लोग बहुत जल्दी में भागे थे और जोन भी आ चुका था। फिलहाल देखो यहाँ पर अपनी फ्लेयर चल चुकी है, तब तक फ्लेयर नीचे गिर रही है। मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे स्काउटिंग करते रहता हूँ कि कोई बंदा आ तो नहीं रहा है। तभी मुझे भानु बोलता है कि अपना ड्रॉप आ गया है, और मैं भी उसको बोलता हूँ कि ड्रॉप के साथ में कोई और भी आ गया है। और आप लोगों के सामने प्रस्तुत है ग्रेनेड का ग्लिच। ग्रैंड के तो इतने ग्लिच है, तुम चाहो तो पूरी किताब लिख सकते हो इनके ऊपर, पांच छह तो मैं तुमको यही गिनवा दूं। कभी कभी देखो गन हाथ से छूट जाए, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ। फिलहाल जो केवल एक ही बंदा था और जिसको मारने में कोई दिक्कत हुई, लेकिन उसे मारने के बाद ऐसा नहीं कि अब यहाँ पर कोई टीम नहीं है। नहीं भाई, अब तुम्हारे ड्रॉप पे कब्जा करने के लिए दो और पार्टियां आ चुकी हैं और वो आपस में लड़ रही हैं। कुल मिलाकर उन्हें कोई मतलब नहीं है कि ड्रॉप कहाँ है, हाँ लेकिन लड़ाई आपस में जरूर करनी है। अब इसके बाद हमें ये टीम एक स्पॉट होती है, मगर यार ये कुछ इस तरीके से छुप चुकी है, कोई एंगल नहीं बन रहा था, इसलिए मैं थ्री स्टोरी पे आता हूँ और तभी मुझे बंदा स्पॉट हो जाता है। और यहां पर शायद मेरा किल भी चोरी आता है। अब जो आप सामने एक टीम देख रहे हो, वो जो डासिया वाली टीम है, वो टीम बहुत ज्यादा हम लोगों में भारी पड़ने वाली है, और ये मैच आप तो भाई बिल्कुल ही अपना रंग बदल लेगा। अब डैमेज बहुत गंदा जा रहा था, और इसके बाद तो और गंदा तब जाता है जब नया जोन बन जाता है, इसलिए मैंने भानु से तुरंत बोला कि भाई लूट वूट छोड़ो, सबसे पहले जोन में चलो, क्योंकि जोन से मरना यार सबसे गंदी मौत हो सकती है। अब हम लोग ये सोच कर यहाँ पे आए थे कि ये सबसे सेफ जगह हो सकती है क्योंकि बंदे तो ऊपर है, लेकिन नहीं भाई, बंदे हमारे मुंह पर ही बैठे थे। अब आप लोग बिलीव नहीं करोगे यहाँ कितनी टीम है, तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे हील करने लगा, बूस्ट करने लगा, और एक बंदा अपने ही घर पे। आप लोग कह रहे होंगे मुझे कैसे पता चला, तो भाई आवाज आ रही थी उस समय, और अभी मैप में फुटप्रिंट आ जाएंगे। उसके बाद जो है शायद ये उसी टीम का बंदा है जो कि अभी सामने दीवार के पास जो घर है वहां पर है, और एक टीम जो पीछे भी डासिया वाली है। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि हम लोग इस पर रश करते क्योंकि अकेला है और इसको मारने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे ही इसे नॉक किया इसके टीममेट इसे रिवाइव देने के लिए आने लगे। तो
भाई पीछे से उनका शॉट पड़ा, मतलब यार खतरनाक। अब सिचुएशन इतनी इंटेंस कि अगर वो लोग हम पे अभी रश कर दे, लेकिन आई थिंक उनकी जो डासी है वो अब डैमेज हो चुकी थी, इसलिए उन्हें यहाँ पर आने में काफ़ी टाइम लग गया। अब फिलहाल जो मैं यहाँ पे रिवाइव हो चुका हूँ और मैंने हील भी कर लिया, बूस्ट तो मैं भी नहीं कर पाया, और तभी मुझे मालूम पड़ता है कि बंदे भाई बिल्कुल क्लोज आ चुके हैं, और क्लोज आने के साथ साथ उन्होंने बमबारी भी यहाँ पे चालू कर दी है। तो सबसे पहली बात, मैं जो अपनी लोकेशन बार बार चेंज करता रहा ताकि मैं किसी ग्रेनेड के भैया शिकार में ना पाऊं। अब उसके बाद मैंने एक ऐसी जगह को चुनने की कोशिश करा जिसमें कि ग्रेनेड ना आए और मैं यहाँ पे एक बूस्ट कर सकूं। कुल मिलाकर मैं इसमें काफी हद तक कामयाब रहा। अब जैसे मैंने बूस्ट किया, और ये समय था एक अच्छे से रोटेशन लेने का, क्योंकि अब उनको पता है कि हम लोग स्क्वाड हाउस में, और जगह बदलना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मुझे नहीं पता आपको ऑल की आवाज़ यहाँ पर आई थी कि नहीं, मार मार पूरा मार, बंदूक बाज आइए इसको मार। भाई ऐसी क्या गलती हो गई मेरे से यार, मैं तो आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोज ही तो बना रहा हूँ। अब फिलहाल जो भी यहाँ पर जोन भाई बहुत गंदा खा रहा था, अब यहाँ पर हमारे पास लूट की बहुत ज़्यादा कमी थी, लेकिन फिर वही बात है कि भाई जोन से नहीं मरना है, इसलिए भाई सीधा डाल से उठाया, जो भी बूस्ट वूस था वही रहने दिया, और आ गए हम लोग स्कूल अपार्टमेंट पर। अब स्कूल अपार्टमेंट में जैसे आए, अब हमारे पास यहाँ पर दो डर, पहली बात थी कि है स्कॉर्ड ना हो, और दूसरी बात कि हमारे पास लूट नहीं है। अब जो भी कुछ था उसी से मैंने यहाँ पे बूस्ट लगा लिया, और मेरे पास 5 के एमओ बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे, कुल मिलाकर 90 एमओ थे, और एक स्कॉर्ड को क्लियर करने के लिए ये आई थिंक कम हो सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं अब स्नैपिंग करूँगा। मैं गाइड करूँगा बस आपको, ठीक है, मैं बता दूंगा कहाँ पे क्या बंदा है। अब ये वाला बंदा जैसे ही मैंने मारा, तभी मैंने एक बंदे को जोन से अपनी तरफ आते हुए देखा। अब यार हमारे पास केवल लूट का यही एक सोर्स था जिसे हम लूट सकते थे और अपनी लूट कंप्लीट कर सकते, वो भी ये वाली क्रेट। तो मैंने यहाँ पे मार्क लगाया, मार्क लगाकर मैंने स्मोक किया, पूरा एक पाथ बनाया जिससे कि जो है भालू जा सके और लूट अपने लिए ला सके। अब जो हेलमेट वेस्ट थे वो चीज़ वो नहीं उठा के ला सकता, इसलिए मैं खुद गया फिर। लेकिन आप यकीन मानो, यहाँ से जाने और आने में जितना टाइम लगा है ना, वो मेरे हिसाब से 365 दिनों से भी ज़्यादा होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ डिसाइड कर ही रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तभी दो बंदे भाई हमारे घर में रश कर देते हैं। जैसे हमने इन डुओ को मारा, हमें पता चलता है कोई एक बंदा जो कि अपनी तरफ आ रहा है, हम लोग तुरंत तैयार हो गए। और भाई जो लास्ट का बंदा था वो मिलने वाला, लेकिन कुल मिलाकर आई थिंक ये बंदा भी मिलने के लिए आ रहा था, हाँ, लेकिन इसका तरीका आने का गलत था। इसको गेट खोल के हमें जंप करना चाहिए था, लेकिन वो तुरंत अंदर आता गया, तो हमें ऐसा लगा कि वो हम पे रश कर रहा है। और बात करें इस गेम प्ले के रिजल्ट की, तो भाई लास्ट में अपना एक ही चीज डिसाइड होती है, पैन फाइट या कुछ वगैरह वगैरह, और भाई ये बंदा पैन से कुछ ज्यादा गंदा मार था। लेकिन जो भी हमें यहाँ पे चिकन डिनर मिल चुका है, अब वीडियो बनानी है इसलिए चिकन लेना तो बनता है मेरे भाई। तो आपको ये गेम प्ले कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सबसे जरूरी और बोनस टिप आप लोगों के लिए कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइज थैंक यू सो मच यार 300 के सब्स के लिए, आप लोगों ने 300 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिए। एंड जिन लोगों को अभी भी भाई मेरी सेंस वीडियो वगैरह नहीं पता चल पा रही है या फिर मेरा लेआउट, तो इंस्टाग्राम की स्टोरी में डाल दिया, वहां पे जाके चेक कर लो। और सबसे लास्ट बात गाइज थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपसे एक और कमाल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।